टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम सामान्य रहा और गर्मी के प्रकोप ने ज्यादा परेशान नहीं किया। इस बीच तापमान के बढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शनिवार से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि इस महीने के अंत तक भीषण गर्मी या लू चलने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल दिखेंगे, बीच बीच में गर्जन वाले बादल बनने की भी संभावना है। इसकी वजह से दिल्ली NCR के लोगों को अभी तपाने वाली गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 23.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 45 से 81% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और यहां मौसम साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में 174 दर्ज हुआ है, नोएडा में 156 जबकि गुरुग्राम में 198 रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।